वज्र आसन हमारे वज्र नाड़ी पे काम करता है, जो सेक्सुअल पावर है उसको ये कंट्रोल करती है। दोपहर हो गई है, 1:30 बज रहा है, पर अभी तक ये नहीं सोच पाया कि आज का व्लॉग किस चीज पे बनाऊं। एक व्लॉग बनाने के लिए हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए देने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियोस हैं या जो मेरा कंटेंट है वो लोगों को पसंद आए। वो अगर लोग नहीं भी देखते हैं तो उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ मीनिंग हो, कोई मैसेज हो हम सब के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। और जब तक ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, एक ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है, स्टोरी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, तो उस ब्लॉग का कोई मतलब नहीं बनता है। सूर्य नमस्कार सभी लोग करते हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये अगर आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मेरे चैनल पे जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो मैं आपको एक सिंपल सा आसन बताता हूँ, पर ये इसका नाम है वज्रासन या फिर थंडरबोल्ट आसन। वज्रासन या थंडरबोल्ट आसन, आप अपने घुटनों पर नील डाउन होते हैं, हम अपने घुटनों पर बैठते हैं इस तरीके से, हमारे अंगूठे पीछे एक दूसरे से टच होते हैं, और फिर हम अपने हील्स को जो कि थोड़ा बाहर की तरफ निकले होते हैं, और अपने हिप को अपने हील्स के बीच में रखते हैं, हमारे पैर आगे आपस में साथ में जुड़े हुए, और हम सीधे यूं बैठते हैं। इसको हम कहते हैं वज्रासन। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा जोर अपनी स्पाइन पर, अपनी पीठ पर नहीं देना होता है, आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं। इसके 5 बेनिफिट्स बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहली चीज है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे नर्वस इम्पल्स को इंक्रीज करता है हमारे पेल्विक रीजन में। तो हमारा जो पेल्विक मसल है वो स्ट्रांग होता है, पेल्विक बोन है, उससे जो हम जितनी भी मसल्स जुड़ी हुई हैं, ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से ही हमारे जो दोनों धड़ हैं, ऊपर के और नीचे का जो धड़ है, हमारे पैर, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पेल्विक बोन, हमारी पेल्विक मसल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे असरदार बेनिफिट है वो ये है कि ये जो उनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन सबसे अच्छा है। कि आप इस आसन में जितना भी बैठेंगे उतना आपको हर्निया में या पाइल्स में आपको आराम मिलेगा। इसका तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है इस आसन में बैठने का, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो फीमेल्स को अक्सर होता है, आज हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है। तो ये आसन हमारे जो महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसको रेक्टिफाई करता है, उसको ठीक करता है। चौथा सबसे बड़ा जो फायदा है इस आसन में बैठने का कि ये हमारे पेट में जितनी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, खास करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इस आसन में बैठने से साफ हो जाती हैं। हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर, इस तरीके की जो गंभीर बीमारियां हैं वो भी इस आसन में बैठने से चली जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। पांचवा जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हमारा जो वज्रासन है, वज्रासन हमारे वज्र नाड़ी पे काम करता है, कि ये हमारे जो सेक्सुअल डिजायर्स, एक्स्ट्रा डिजायर्स होते हैं उनको खत्म करती है, हमारी जो सेक्सुअल पावर है उसको ये कंट्रोल करती है। तो जो हम जब हम इस आसन में अधिक से अधिक समय तक बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, 5 से 10 मिनट से 15 मिनट, धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकते हैं, और ये जो आसन है ये हमारे इन सारी चीज़ों पर जो मैंने आपको बताया, तो इस आसन को आप रोज 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप इस आसन में ज़रूर बैठें रोज, और इस आसन में बैठने के बाद आप अपने हाथों को सीधा नीज पर रखना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है, और सिर्फ अपने इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। कम से कम हम इसको 50 से 100 बार तक इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो ओवरऑल बॉडी है, इस पे बहुत मजबूती आएगी।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो वज्रासन के ऊपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई और मन में शंका है या आपको योगा से लेकर जुड़ी हुई कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक। नमस्कार।